तो मैं इस वीडियो में मैं आपको देखूंगा कि जापान कंट्री का गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट आप कैसे बना सकते हो। बेसिकली जापान कंट्री का अकाउंट हमको बहुत जगह लगता है, कोई भी प्ले स्टोर में कोई सी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए, या फिर गूगल प्ले पॉइंट जो आता है जापान कंट्री से रिलेटेड, जो भी गूगल प्ले पॉइंट का जो प्रोग्राम आता है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो अगर आपके पास एक जापान अकाउंट होगा तो। तो इसको आपको कैसे बनाना है शुरू से लेकर के मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में सेटिंग में चले जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपका फोन में अकाउंट साइन का एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर चले जाकर ऊपर की तरफ तुलना, यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल को चूज़ करना है, तो गूगल को मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। चूज़ करने के बाद कुछ ऐसा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका फोन का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दे देना। पासवर्ड दे देने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर लोडिंग लेगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो नीचे की तरफ यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, आपके पास बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर सामने में आप कोई से भी दे देना, तो मैं यहाँ से सामने में कोई से भी दे देता हूँ, ठीक है। तो आप दे देना, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट को क्लिक कर देने के बाद डेट मंथ आप कोई से भी दे सकते हो, याद रहो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर अगर 18 प्लस के ऊपर होना चाहिए, 18 प्लस के ऊपर ही दे दो, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप कोई से भी दे सकते हो। देने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक जीमेल चूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई सा भी एक रैंडम सा जीमेल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कुछ चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो बोल रहा है ये अवेलेबल नहीं है। तो आप कोई से भी ले सकते हो, मैं आपको सिंपल आपको दिखा रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। और इसके ये जो आप यहाँ पर करोगे उसके पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आप प्ले स्टोर में चले जाओ। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर से एक जापान मास्टर कार्ड का एक वीपीएन होगा, और वीपीएन को ये कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो। मैं बताना थोड़ा भूल गया, मैं यहाँ पर खो गया था। तो उसके बाद यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद यहाँ पर सेटअप सिंपल से कर देना। उसके बाद यहाँ पर करंट लोकेशन के ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद इसको जापान के सिलेक्ट करके कोई से भी सार्गा के साथ कनेक्ट चूज कर लो। तो उसके बाद इसके ऊपर कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट ले रहा है, तो ये थोड़ी देर के बाद ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है, ऊपर के वीपीएन के लोगो भी आ चुका है। तो इस अगर मैं सारे यहाँ पर स्टेप दिखा दिया ना, तो यहाँ पर से इस स्टेप को करने से पहले वीपीएन को ऑन कर लो, ठीक है। मान लीजिए वीपीएन को पहले ऑन कर लो, उसके बाद ये स्टेप करो, ठीक है। वो करने के बाद बेसिकली ये अकाउंट बनाने के पहले आपको वीपीएन को कनेक्ट करना है, ठीक है। मैंने जो जो स्टेप बताया, सेटिंग में जा करके, यहाँ पर अकाउंट में साइन अप जा करके, यहाँ पर गूगल में जा करके, जो जो स्टेप है उससे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद ये सारा पासवर्ड दोहराओ। तो उसके बाद मैंने मान लीजिए ये चूज कर लिया, मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद आपके पास पासवर्ड पूछ जाएगा, तो हमको पासवर्ड दे देना। पासवर्ड दे देने के बाद अगर मोबाइल नंबर चाहता है तो मोबाइल नंबर दे देना, कभी कभी मोबाइल नंबर नहीं चाहता है तो अगर चाहता है तो दे देना। दे देने के बाद ये अकाउंट आपके पास सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर सेटअप हो चुका है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्ले स्टोर में जाओ। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके पास ये जो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड है, तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एप्लीकेशन सिंपली प्ले स्टोर में जाओ, इसको डाउनलोड कर लो। वीपीएन को बंद मत करना, वीपीएन को कनेक्ट ही रहने देना, ठीक है। तो इसको पहले डाउनलोड करके रखो, ठीक है। जब यहाँ पर जाकर के, यहाँ पर जब अकाउंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए पासवर्ड दे दिए, अकाउंट सेटअप हो गया, अकाउंट सेटअप हो जाने के बाद तुरंत प्ले स्टोर को नहीं खोलना है, ठीक है। अकाउंट सेटअप हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने के बाद आपको गूगल रिवॉर्ड को ओपन करना है। गूगल रिवॉर्ड का आपको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसको पहले डाउनलोड करके रखो, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गेस्ट के ऊपर ऑप्शन आएगा, तो गेस्ट क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट चूज करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपने अभी जो अकाउंट बनाया यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर नेट थोड़ा ये कर रहा है क्योंकि हमने वीपीएन के साथ कनेक्ट किया है जापान के सर्वर से। तो यहाँ पर एक अकाउंट यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर चूज करने का बोलेगा। तो वही वाला अकाउंट चूज कर लो, जो वाला अकाउंट अभी बनाया हो, ठीक है, जापान का जो बनाया हो वही वाला चूज कर लो। तो मैंने यही वाला अकाउंट बनाया है, तो इसको मैं चूज कर लिया। चूज करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा, ठीक है। बेसिकली हमको यहाँ पर प्रोफाइल को वेरीफाई करना है जापान के सर्वर के साथ, ताकि ये गूगल प्ले यहाँ समझ सके ये जापान का ही अकाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर थ्री लाइन क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लिया।
तो यहाँ पर कंटिन्यू आ जाएगा, तो एक बार कंटिन्यू को कर देना। उसके बाद देखो अगर जापान ओके अगर बना हो तो ऐसा कुछ निशान आएगा, क्योंकि ये जापान का ये कंट्री का निशान है रुपीज़ का, यहाँ हमारा जो आता है वहाँ पर वो ऐसा है। तो उसके बाद थ्री ऊपर की तरफ थ्री डॉट में क्लिक करो, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना। प्रोफाइल के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा चीज़ यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर कंट्री जब बोलेगा तो यहाँ पर कंट्री अगर कोई अलग यहाँ पर चूज होता है तो इसको ताइवान में चूज़ कर दो। यहाँ पर जो एरो है ना, एरो को क्लिक करके यहाँ पर ताइवान को चूज़ कर दो। तो ताइवान को चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो पोस्टल कोड है तो पोस्टल कोड में ये वाला पोस्टल कोड डाल दो, ठीक है। ये वाला पोस्टल कोड डालने के बाद एज आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर दे दो 18 से 24। तो यहाँ पर मेल टेल यहाँ पर देकर यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद प्रोफाइल सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। कम्प्लीट हो जाने के बाद इसको सेव कर दो, यहाँ पर नीचे सेव होगा, सेव करके बैक कर दो, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल सेटअप ऐसा कुछ कम्प्लीट हो जाएगा। तो कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा दो। अगर प्रोफाइल सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा, कम्प्लीट होने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करो, ठीक है। प्ले स्टोर का आपको ओपन कर लिए, कम्प्लीट हो जाएगा। तो हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो आपका लोगो है वहाँ पर इसको क्लिक करो, और इस पर जो एरो है एरो को सिलेक्ट करके अभी जो जापान का जो प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया है उसको चूज़ करो। तो मैं यहाँ पर उसको चूज़ कर लेता हूँ। तो उसको मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मैं पर बहुत दिन पहले इसको बनाया हूँ, कैसे बनाते हैं वो मैंने दिखा रहा था। तो यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर प्ले बटन का ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर प्ले बटन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो प्ले बटन को क्लिक करके आपके पास जीरो प्ले बटन होगा पहले, तो प्ले बटन यहाँ पर आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करो। सेटिंग में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर दिखा दूँ, मैं यहाँ पर जापान का वेरीफाइड है, ठीक है। तो मैं जनरल के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये जापान की तरफ से वेरीफाइड है, ठीक है। तो मैंने यही प्रोसेस करके यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ताइवान वेरीफाइड है, देख सकते हो यहाँ वेरीफाइड है ताइवान, मतलब ये जापान का सर्वसाथ ये अकाउंट पूरी तरीके से वेरीफाइड हो चुका है, मतलब ये जापान का ही अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर से क्लिक करके आप प्ले पॉइंट भी अनफन कर सकते हो, आपको जो मर्जी करो। एक आपके पास एक जापान का अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जापान के अकाउंट में भी प्ले पॉइंट दिए जाते हैं, और सच में बहुत ही ज़्यादा दिए जाते हैं। तो एक बार बना कर रख लो, फिर आपको बार बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर एक होगा तो आप वही से बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपके पास मैंने दिखा दिया कैसे करते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, तो ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।